إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله आज 15 अगस्त 2021 की कुरान क्लास नंबर 88 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल माइदा का आगाज करेंगे सूरत अलमाद अरबी में कहते हैं खाने को इसके एंड पे जाके ईसा इबन मरियम के हवारीयों का जिक्र होगा कि उन्होंने हजरत ईसा से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये जिंदा मोडजा दिखाएं कि आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल हो तो उस नस्बत से इस सूरत का नाम सूरतमादा है बाकी ज़ाहरा कि इसका जो मरकज़ी टॉपिक है वो अहल किताब से आखिरी गुफ्तु है अल्लाह की और शरीयत महमदिया वसल्लम के फाइनल आकाम बकरा जो है और सूर्य आल इमरान ये इब्तदाई आप समझ लें दावत हक़ है जूस और क्रिश्चन्स के लिए और शरीयत के अहकाम और सूरत और सूरतमादा ये फ़ाइनल अहकाम हैं शरीयत के और सूरतमायदा में वो शरा आफ़ाक़ आयत भी आ जाएगी अलम अकमल तो वीतुम इस्लाम दीना शुरू में और सूरतमादा में अहल किताब से फ़ाइनल खिताब है उनकी हदायत के लिए ये दो मर्जी टॉपिक हैं मुहम्मदिया है शरीय मोहम्मदिया के फाइनल अहकाम और अहल किताब को दावत हक यही टॉपिक था, था सूरत का भी और ये भी जोड़ा है सूरत का सूरतम और इसमें देखें क्या अल्लाह तला ने इसको हम आहंगी इसमें रखी है सूरतनसाह जो है वो शुरू हुई थी या और यह शुरू हो रही है यादीना आमनु फिर कई एक मजामिन मिलते जुलते होंगे बाज जगह तो आयात भी आलमोस्ट थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ सेम आएगी जिस तरह जोड़े की नस्बत बकरा और सूर्य इमरान में है वही नस्बत आपको यहां पर भी नजर आएगी अउदबिल्लाई तो बिसमिल्लामानीम यादीना आ मनू अलूद अहले ईमान अपने अहद जो तुम करते हो उनको पूरा किया करो क्या मत मुजमर है मुस्मत में हदीस है कि जो शख्स अहद पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं है और सूर्य बनी इसराइल में जाके अल्लाह तला ने जो टेन कमांडमेंट्स हैं उनमें एक कमांड यह है कि अहद को पूरा करो बेशक अहद के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा दुनिया का सारे का सारा निजाम जो है वो अहद के ऊपर चढ़ रहा है ईवन मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है ये भी एक अहद है निकाह की बाइंडिंग के साथ कि वो एक अब मुस्कबिल में एक ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें मर्द की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी औरत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और ये मिलके ख़ानदान को वजूद बख्शेंगे फिर आगे सेक्स डिसिप्लिन है फिर औलाद की परवरिश है ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से दुनिया में जो कारोबार है वो भी अहद के ऊपर चल रहा है एम्प्लाय एप्लायर रिलेशनशिप यानी जो ताजर है और उसने जो मुलाजम रखा है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी एक अहद है तो ये सारे के सारे मामला अहद के ऊपर चल रहे हैं और एक सबसे बड़ा अहद है जो हमने अल्लाह से किया है अलस्त बेरोला आलम अरवाह में क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तो सब ने कहा था भला क्यों नहीं और फिर जो कलमा गो हैं उन्होंने तो वैसे ही अल्लाह के साथ अहद किया है उसद का भी जिक्र आएगा कि एहलमान तुमने कहा था समय आना व अका हमने सुना और इतात इख्तियार की तो अब अपने अहद को पूरा करो अब साथ ही शरीय के अहकाम शुरू हो रहे हैं हलालो हराम के हवाले से ओहिलत लकुम बहीमतुल अनाम तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं सब के सब बेजुबान चौपाए अनाम अरबी में कहते हैं बेजुबान चौपायों को जिनका जिक्र सूरतुलनाम में आया है वो चार कैटेगरीज हैं नंबर वन भेड़ नंबर टू बकरी नंबर थ्री गाय और नंबर फोर ऊंट ये हैं चार बेजुबान बाकी इसकी जो आप समझ लें ऑफ शूट के तौर पे ये क्रॉलरी के तौर पे आप बाकी चीजों को भी इसमें दाखिल करेंगे हिरन भी आ जाएगा इसमें इसी तरीके से भैंस भी आ जाएगी वो गाय के हुक्म में दाखिल है वो कहते थी भैंस को फिका अनफी ने लाल किया सर फिका अनफी की बजाय से पहले भी भैंस मौजूद थी पहले तीन सौ साल में किताब लिखी गई है इमाम मुंदरी की किताबुल इजमा मुंदरी नहीं इमाम मुंदरी तो अलग है ये इब्नुल इब्नम हैं उनकी किताब है किताबुल इजमा छोटी सी किताब है उसका तर्जमा हुआ है उसमें बाकायदा जिकात के चैप्टर में लिखा है कि इस पर इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल है तो ये अक्सर मसायल जो आपको बता रहे होते हैं ना हमारे इमामों ने बताए वो इमामों ने नहीं बताया वो उम्मत के इजमा ने ट्रांसफर किया वरना मुझे बताएं किस इमाम ने बताया कैंगरू के बारे में जराफे के बारे में उनको तो पता ही नहीं था जराफे के बारे में जराफा भी बहीमतलनाम में आता है उसका खुर भी कटा हुआ होता है जो पाओ है ना वो दो जिस तरह ये बकरी का गाय का भैंस का ऊंट का भी आप देखते हैं ना यू कटा हुआ होता है ये बहीमतुलनाम की निशानी है घोड़े का नहीं कटा होता ये बहिमतुल नाम घोड़ा वैसे अलग से हलाल है लेकिन बहिमतुल नाम में नहीं आता जराफा बहिमतुल नाम में आता है उसका खुर भी इसी तरीके से कटा हुआ होता है उसके पांव जो है तो सब के सब बहिमतुल नाम चाहे वो नील गाय हो हिरन हो भैंस हो और चार वो जानवर जो कुरान में आए भेड़ बकरी उसी में आप दुम्बे को भी शामिल कर लें फिर उसके बाद जो आजकल की पहाड़ी बकरे हैं मारखोर है मार वो भी बकरी की एक फॉर्म है उसके भी खुर कटे होते हैं ये सब के सब हलाल हैं जानवर नाम है वो सब के सब हलाल है इल्ला मा युतला अलैकुम सवाए वो जिसकी तलावत तुम पे हम करेंगे अभी तुम्हें बताएंगे कि ये ये जानवर हराम है हलाल होने के बावजूद भी हराम है किस सूरत में वो सूरतें आगे आ जाएंगी और बाज तो है ही हराम वो भी चीजें आ जाएंगी लेकिन उसमें साथ एक शर्त लगाई गैरा मुहल सईद लेकिन ये हलाल शिकार उस वक्त होगा कि तुम ये इस इन जानवरों को हलाल उस वक्त शुमार हो रहे होंगे जब तुम इनका शिकार कर रहे होगे वह अंतुम हरम और तुम एहराम की हालत में हो तो उस सूरत में यह हलाल जानवरों का शिकार भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा खाना तो दूर की बात इनका शिकार भी तुम नहीं कर सकते तो ये जो सारी चीज़ें पढ़ के बताई जा रही हैं इसके अहकाम उन लोगों के लिए हैं जो एहराम की हालत में नहीं है अब आजकल तो हम इस तकलीफ को नहीं समझ सकते अगले ज़मानों में जब लोग पैदल सफ़र करते थे तो हमारे सब कॉन्टिनेंट से ही ऑलमोस्ट चार महीने में लोग अरब की सरजमीन में पहुंचते थे उनको फिर एहराम की हालत में भी जो मीकात है उसके अंदर भी तकरीबन 100 100 किलोमीटर सफर करना पड़ता था उस दौरान खाना पीना भी है आगे चल के आएगा कि हम तुम्हें आज़माएंगे कि जो शिकारी जानवर जो है वो तुम्हारे बिल्कुल सामने आएंगे लेकिन तुम शिकार नहीं कर सकते अब हिरन का गोश्त तो इतना टेस्टी होता है अब हिरन सामने आई हो और आप एहराम की वजह से उसका शिकार ना कर सके तो आजमाइश है और अल्लाह ने कहा हम ये ऐसा करेंगे और इसकी एनालॉजी उसके साथ बनती है जो साब सब थे जो राफ में आता है कि हफ्ते वाले दिन ही मछलियां उनके सामने फुदकती थी आम दिनों में वो नजर ही नहीं आती थी और हफ्ते वाले दिन उन्हें पे थी तो आजमाइश होती उस वक्त है जब आपको सबर की तकलीफ से गुजरना पड़े तो अगले जमानों में लोग पैदल सफर करते थे तो जाहिर है कि कितना खाना साथ लेके चलेंगे अचार ही एक साथ रख सकते थे बाकी तो रास्ते में जानवरों का शिकार करते थे कभी कोई जंगली गाय कोई नील गाय शिकार कर ली लेकिन जब वो मिकात तक पहुंचते थे फिर आगे अहराम होता था शुरू तो अहराम की हालत तो में आप शिकार नहीं कर सकते इन कुमा मायूरीद बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है जो चाहता है ये अल्लाह की मर्जी है कि हलाल चीज को भी वक्ती तौर पर हराम कर दे अहराम की हालत में यादीना आ मनू ला तो शाला एहल ईमान जो अल्लाह की निशानी है ना जिनकी अल्लाह ने हरमत रखी है इज्जत रखी है उनकी हुरमत को पामाल ना करो उनको हलाल ना ठहरा लो अपने लिए वल शहर हराम और ना ही वो महीने जिनकी हुरमत अल्लाह ने रखी है उनको तुम अपने लिए हलाल ठहरा लो यानी चार महीने थे जिनमें जंगल जदाल करना मना था लड़ाई नहीं कर सकते थे वो चार महीने सूर्य तोबा में आगे चल के जिक्र आएगा कि चार महीने अल्लाह तला ने हुरमत वाले रखे हैं जब से ज़मीन व आसमान को पैदा किया और डिटेल उसकी बुखारी और मुस्लिम में आई है कि उसमें से तीन महीने कंजेक्टिव हैं जिकादा जुल्हिजा और मुहर्रम और चौथा है रजब इन चार महीनों में जंग करना भी मना है जंग सिफीन के दौरान एक हरमत वाला महीना आ गया था तो फिर जंग को रोक दिया गया उसकी वजह से इसीलिए मैंने अपनी हुकूमतों को भी बाहर हाका है कि जब आप ये जो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे होते हैं कोई इस तरह के मामलात हो तो जब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई ना हो तो हरमत वाले महीनों में ये कार्रवाइयां भी रोक देनी चाहिए जंगो जदाल वाली लेकिन यह तो सूरत में जब कोई किसी को शरीयत के साथ कोई दिलचस्पी हो यहां तो बड़े बड़े अहकाम तोड़े जा रहे होते हैं वल आज तलल हद या और ना हलाल ठराओ कुरबानी के जानवरों को जो हदी वो जानवर होता है कि जो हजे कराम या हजे तमत्तों के लिए या इवन उम्रे के लिए भी लेके जा सकते हैं जो कि काबे जाके कुर्बान किया जाता था तो वो हदी का जानवर है वलल कौलाइद और ना ही वो जानवर जिनके गलों में पटे हैं कि वो अल्लाह की राह के जानवर हैं उनकी निशानी के तौर पे उनके गलों में पटे डाले जाते थे तकलीद का लफ्ज भी यहां से निकला है उनके गले में पटा होता है ना अपने बाबों का तो यह तकलीद लफ्ज ही निटोरियस है ये इतना बुरा लफ्ज है कि ये अल्लाह रसूल की इताद के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया कुरान में आप देखें इताद का लफ्ज है इतबा का लफ्ज है अल्लाह के नबी की तकलीद भी नहीं आई जिनकी की जा सकती थी लेकिन वो भी सूर्य यूसुफ मैं कह नबी तुम फरमाओ मैं और मेरे साहब पूरी बसीरत के साथ इस दीन के ऊपर है इस लफ्ज से ही अल्लाह को इस हवाले से नफरत है अंधे बन के नहीं आप दीन के अहकाम की पैरवी करेंगे तो यह कलायद वो पटा हार बुखारी मुस्लिम आता है नबी इस्लाम अपने मुबारक हाथ से जो है ना वो उसकी रस्सी को बल दे के और बायदा गले में हार डाला जाता था उसमें पुरानी जूतियाँ जो है ना वो परोई जाती थी उस जमाने में ज़ाहिर है वो लॉकट या इस तरह का सिलसिला तो नहीं था तो वो जूतियों को निशानी होती थी कि अल्लाह की राह के ये जानवर हैं तो रास्ते में जो काफले लूटा करते थे वो उन काफलों को नहीं लूटा करते थे जो हज के लिए जा रहे होते थे बैत हराम और ना बेहरमती करो उन लोगों की ना उनकी हरमत को बमाल करो जो बैतुल्ला के लिए मस्जिद हराम के लिए सफर कर रहे हैं हाजुर उमरे का ज़ाहरा कि ये अब कुछ पोर्शन तो इसका मनसूख है ये तो जनरल हुक्म था लेकिन सूर्य तोबा इसके बाद नाजिल हुई है यानी मशरक़ी अरब के काफिले भी अगर हजों उमरे के लिए जा रहे हैं अगरचे वो बुतप्रस्त हैं तो उनके काफिलों को भी तुमने नहीं रोकना ये मजमून आगे चल के खुलेगा भी इस हवाले से लेकिन सूर्य तौबा में अल्लाह तला ने कह दिया कि ये आखिरी साल है जो मुसलमानों ने और मशरकिन अरब ने हज इकट्ठा किया है और वो हज था नो हिजरी का जिसमें बुखारी मुस्लिम में आता है अमीर हज सिद्दीक सैदराम मुबकर तक नबी इस्लाम ने बना के भेजा और पीछे सूर तौबा की आयात नाजिल हो गई कि आंदा के बाद कोई मुशरक हरम में दाखिल नहीं होगा ये नजस है पलीद है फिर क्या मत तक के लिए अब मक्के और मदीने के उस पोर्शन में कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता यह मुसलमानों का कैंट एरिया तो फिर सईदाना अली को नबी इस्लाम ने पीछे से भेजा अब देखें जब वो पहुंचे हैं तो हजरत अब सदीक ने पहला सवाल यह किया कि आपको अमीर बना के भेजा गया है अगर आप अमीर बन के आए तो महारात आपके हवाले करो समाता का सिस्टम है ना सर भाई अकबर दो ड्राइवर तो नहीं गाड़ी चला सकते लीडरशिप की तो इस्लाम में बड़ी अहमियत है तो उन्होंने कहा नहीं अमीर है हाज आप ही हैं। मैं नबी इस्लाम के बिहाफ पे अनाउंसमेंट मैंने करनी है मिना के अंदर और अरफात के अंदर क्योंकि अरब के कल्चर के अंदर किसी अगर लीडर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती थी या वो खुद करता था या उसका सबसे करीबी रिश्तेदार तो उसकी तरफ से शुमार होती थी तो जहरा अरब के जो लोग मुसलमान हुए थे कन्विक्शन वाला ईमान तो कम लोगों का था ज्यादातर लोग तोूर के उस गलबे की वजह से आपसे इंप्रेस हो गए थे कि कुरेश को अल्लाह ने गलबा दे दिया तो बाकी सरदारों ने उनकी बात कर ली नबी इस्लाम की और नबी इस्लाम के सबसे करीबी इस हवाले से सईदा अली थे तो हजरत अली ने वहाँ पर नाउसमेंट की कि आज के बाद अब कोई और हाजनी करेगा और यही हमत थी कि वह नौ इजरी वाला हाज हालांकि फ़तेह मक्का आठ इजरी में हुई है नबी इस्लाम ने नौ इजरी वाला हाजनी किया वो हाज में हज़रत बकर को भेजा और वो हाज़ ऐसा था अमीर हाज हजरत बकर थे मुशरकिन भी आज कर रहे थे और मुसलमान भी आज कर रहे थे क्योंकि उनके लिए भी वो एक मुतबरक जगह तो थी फिर अनाउंसमेंट होगी और अगले साल फिर नबील इस्लाम ने खुद हाज करवाया और बुखारी मुसलम अदीस है नबीलाम ने फरमाया कि जिस जिसने हाज के अहकामबाज सीखने तो मेरे साथ हाज करे और साहबा कहते हैं कि हम उस हज को हजरतलविदा कह रहे थे लेकिन हमें यह पता नहीं था कि ये हजूर की आखिरी हज होगा यानी ऐसे अल्लाह तला ने मुसाव राम के जहन के ऊपर इस हवाले से एक पर्दा डाल दिया ताकि उन उन गम की कैफियत भी ना हो वो कहते हम ये डिस्कशन करते थे ये हजरतल्वा है यह हजरतल्वा का लफ्ज हजूर की वफात के बाद नहीं आया उनकी जिंदगी में भी था और फिर आपने बुहारी मुसलिम आता ना जो आखिरी खुदबा दिया तो आपने क्या फरमाया था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि अगली दफा हमारी मुलाकात हो सके और फिर ये मेरा पैगाम लोगों तक कुछ जाना और फिर आब इस्लाम ने लोगों को अहमाज सिखाए तो वो जो दस हिजरी का था हज उसके तीन महीने के बाद हजुल की डेथ गई, जुलहिजा के बाद क्या आया मुहर्रम सफर और रबील रबील के किसी भी तारीख को तारीख तो कन्फर्म नहीं है लेकिन दिन मंडे का था आबल इस्लाम की डेथ हो गई, तो उस मौके के ऊपर नौ हिजरी में जब अब सदीक रतन अमीर हज थे तो अल्लाह की तरफ से यह अनाउंसमेंट की गई कि अब आंदा साल मुशरक नहीं आएगा सिर्फ मुसलमान हाज करेंगे और ये ने जाके अनाउंसमेंट की लेकिन यह आयात उससे पहले की है इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर काफिर भी हाज के लिए जा रहे हैं तो तुमने उनको उनकी हुरमत को पामाल नहीं करना आज अगर तुम्हें गलबा मिल गया और जहरा हज तो फिर बाद में आया ना आठ हिजरी में फतेह मक्का तो हो गया तो आठ हिजरी से लेकर दस हिजरी तक हज तो एक आया लेकिन उम्र तो कई लोगों ने किए होंगे तो मुसलमानों को कहा गया कि अगरचे खाना काबा तुम्हारे कब्जे में है लेकिन मुशरकिन अरब को भी उम्र से नहीं रोकना तवाफ़ काबा से नहीं रोकना जब तक न फल रबिम व रिदवाना ये लोग अल्लाह का फजल और उसकी रजा जोई के लिए यहाँ पर आते हैं अपने जोम में जो कुछ समझते हैं तो इससे मुझे जमन याद आया कि जो लोग कहते हैं ना कि जी फलां फलां फिर के ये मुशरक हैं और बात तो कहते हैं मुशरकिन अरब से भी बात कर रहे हैं तो हम उनको कहते हैं ठीक है फिर इनका अरब में दाखिला बंद करवाएं आप अगर आप इनको ये समझते हैं कुरान में तो वाजह लिखा है कि मुशरकिन अरब का दाखिला बंद है जड़े भरो ना इस तरीके से एक कलमा गो अगर मुशरक भी हो अगर वह अल्लाह रसूल आखरत और खत्म नबूत और कुरान को मानता है आप उसे काफिर नहीं कह सकते जब काफिर नहीं कह सकते वो हरम में आ सकते वा हलल तुम और जब तुम हलाल हो जाओ ये नहीं अहराम की पाबंदियों से आजाद हो जाओ हाज़र उम्र के बाद उसके बाद तुम शिकार कर सकते हो वला और देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मत उभारे इस बात पर मस्जिद के तुम किसी को मस्जिद हराम में आने से रोक दो और उनके साथ ज्यादी करो ये हो सकता था ना सुलह देविया के मौका पर मुशर अरब ने भी तो आने से रोक दिया था ना नवी इस्लाम को और कहा था इस दफा तो आप वापस आए अगले साल आए तो ये ना हो कि तुम पुरानी दुश्मनी ताजा करो किसी भी एक बार तो फेरा पावेंगे ना नहीं ये काम नहीं करना अब ये बड़ी जनरल आए थे कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम ज्यादा पर उतराओ इलाफ रखें आप किसी के साथ भी ज्यादा ना करें इवन दूसरे किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला भी बंदा है बेसिक अखलाकियात से किसी भी इंसान को किसी मुसलमान को गिरने की जरूरत नहीं मैं इसलिए कहता हूँ कि मुसलमान तो छोड़ दें अगर कोई सही इंसान भी बन जाए ना तो दुनिया में सुकून आ जाए ये तो इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं मजहब के नाम के ऊपर धब्बा है जिन्होंने दुनिया का अमन बर्बाद कर दिया वनबिर व तकवा और ताउन करो नेकी और परहेजगारी के कामों में और मत ताउन करो मत मदद करो एक दूसरे की गुनाह और ज्यादती के कामों में अब ये एक आयत ही मुतकाजी है कि एक घंटा बोला जाए बाज आयात बाज़ अहदीस इतनी जामे होती हैं कि वो जिंदगी के हर पहलू को कवर कर रही होती है जैसे बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस है बुखारी में वो पहली हदीस है मिशकात वालों ने भी वो पहली हदीस ली मिशकात में इन नियात, आमाल का दारोमदार तो सिर्फ नीयतों पर है जब तक नीयत दुरुस्त नहीं होगी नेक अमल का भी सवाब नहीं मिलेगा चाहे कितना मर्जी नेकअमल हो अब दुनिया का हर काम जो नेकी से ताल्लुक रखता है वह उस कैटेगरी में फॉल करेगा अब रियाकारी के लिए किया अल्लाह के लिए नहीं किया अमल बर्बाद हो जाएगा अब यहां पर आप देखें कि नेकी और प्रेसगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी है बुराई में अलग रहना है अब दुनिया का हर काम इसके अंदर फॉल करता है दुनिया में कोई भी नेकी का काम है उसमें आपने लोगों की मदद करनी है और बुराई के काम में अलग रहना है लोग पचास पर्चियां लिख के यहां भेज रहे होते हैं बताएं है ये काम करवाना चाह रहे हैं हमारे दफ्तर में लोग लेकिन ये है गलत है मैं करूं ना करूं सर यह आयत कुरान में लिखा हुआ है नेकी और प्रेस के कामों में एक दूसरे की मदद करो और इसको स्पोर्टिव वो हदीस सही मुस्लिम की गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोग इस पर मुतला हो जाए और जामया तिरमजी में हदीस के इस्लाम ने फरमाया हजरत असन इबिन अली कहते हैं कि बेटा जो चीज तुझे तो शक में डाल दे उसे छोड़ देना यहां लोगों को यकीन होता है बुराई का फिर भी उलमा से पूछ रहे होते हैं कि हजरत आप बताएं कि ये मैं करूं या ना करूं वो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे होते हैं आप हमारे गुनाह का बोझ उठा लें असी तो काम पा है लेकिन साड़ी की तरह पकड़ ना हो जाए सरकार तुम्हें ये बोझ उठाओ तो वो ही कर रहे होते हैं और इस साइज से यह भी पता चला कि जहरी इस बाब में मदद मांगना शिरक नहीं है वो अक्सर कह रहे होते हैं ना जी अम्मी से रोटी मांगेंगे तो शेर को हो जाएगा अगर अम्मी से रोटी मांग सकते हैं तो शेख अब्दुल कादर जरानी से मदद क्यों नहीं मांग सकते डिस्प्रीन की गोली अगर मुश्किल कुशा हो सकती है तो ख्वाजा मेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते भाई ख्वाजा मेरी साहब तो कबर में है डिस्प्रीन की गोली तो सामने मौजूद है वो जहरी सबब है पानी तो सामने मौजूद है रोटी तो सामने मौजूद है अम्मी तो सामने मौजूद है कोई मरी हुई मां से भी रोटी मांगता है क्या मत पुखर ही मरेगा फिर पुखड़तालते ही मरेगा ये दो डिफरेंट चीजें हैं असबाब आप काफिर से भी ले सकते हैं बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि इस्लाम की जिरा गिरवी रखी हुई थी एक काफिर के पास चंद अनाज के दानों के एवस आपने तो काफिरों से मदद ली है जी खैबर में नबी इस्लाम ने हजरत अली से मदद मांगी भाई हजरत अली सामने मौजूद थे जंग के लिए बुलाया मदद मांगी क्या पहले तो मदद की अशोभ चशम था अपनी मुबारक थूक लगाई उनको शिफा हुई ये तो सारे कहते हैं मदद मांगी ये क्या करो पहले मदद की थी उस उसको तो बाद ड्यूटी लाई तो हजरत हमजा को क्यों नहीं बुलाया खै में वो जी फौत हो चुके थे शहीद हो चुके थे नहीं शहीद तो जिंदा है उसको मदद के लिए आप तो पुकारते हैं तो हजूर ने क्यों नहीं पुकारा अगर बदर की कमांड ओहद की कमांड हजरत हमजा के वाले थी तो खैबर की कमांड भी उनके वाले होनी चाहिए थी रूहानी तौर तो पर कमांड कर लेते उस जमाने में ये क़ीदे ये कहानियां होती ही नहीं थी किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आती थी कि ये काम हो जाए तो ये आयत वो अक्सर पेश कर रहे होते हैं कि मदद एक दूसरे की मदद मांगने का तो हुक्म है मदद मांगने का हुक्म है जो अस्बाब में है जो इस्बाब में चीज़ दाखिल नहीं है वो फिर कहते हैं जी देखिये नवील इस्लाम से लोगों ने माफोकुल्बाब चीज़ें भी मांगी हैं मसला बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अबूर ने कहा कि मेरी यदाश्त कमज़ोर है तब यदाश्त तो इस्बाब तो में नहीं आती बिल्कुल ठीक है लेकिन सर वो जो उन्होंने कहा था नबील इस्लाम तो सामने वजूद थे जिनसे दुआ करवानी थी जिनका मोरजा ज़ाहिर होना था तो सामने थे न तो ठीक है रसूल्ला आज भी मौजूद हो हम अपने हर मसले के लिए आपके पास जाएंगे सही बुखारी में आता है आते की पिंडली टूट गई तो नबी इस्लाम ने उस पर हाथ फेरा पिंडली बिल्कुल ठीक होगी लेकिन आज अगर किसी की पिंडली टूटती है तो हम उसे रोजा श्री पे तो नहीं लेके जाएंगे आप सर्जन के पास लेके जाएंगे आप रोजा श्री पे ले भी जाए तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ना नबी इस्लाम ने बाहर तशीफ लाना है ना हाथ फेरना है और ना आपको शिफा होनी है अगर आप समझते हैं ऐसा हो सकता है तो करें सरकार कुर्बानी करें एक बंदा अगर पिंडली की हड्डी तोड़वा के अपने जोम में पूरी उम्मत के ठीक कर सकता तो करो फिर आजकल तो ऐसे इंजेक्शन आए हैं कि वो आपको सुन करके हड्डी तोड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कई जो होते हैं ना ये कंट टूटे इन्होंने जब दूसरों में पर्चे करवाने होते हैं तो अपनी हड्डियां खुद तड़वाते हैं वो पहले टीके लगवाते हैं वो फिर जब उसकी इंक्वायरी होती है तो उसमें पता चलता है कि टीके का निशान मौजूद है ये टीका के नाक की हड्डी बनवाई है फिर वो कैंसर हो जाता है वो फिर पर्चा कैंसिल टीके लवाओ हड्डियां बनवाओ तो प्रैक्टिकली करके बताओ ऐसे तो नहीं होगा और सही बुखारी में वन जीरो नंबर जीरो अदीस है दस सौ दस इन्ना कुन्ना न तवसलई कभी नबीना पहले पहले हम रसुल्ला के वसीले से तेरी तरफ मतवजे होते थे अब उनके चचा को लेकर आए इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजल फरमा हजरत उमर ने तो नहीं कहाार्ला पहले पहले हम रसुल्ला से दुआ करवाते थे अब यार्ला आपकी कबर पर आए आप अल्लाह से दुआ करें नहीं हुआ रसूल पे शफात मांगना इसमें मेरा डिटेल लेक्चर है वो एक जाली वाकी वाला पेश करते हैं मैंने कहा सही बुखारी में मौजूद है हजरत उम्र का कहीदा उमत को उन्होंने दिया और हजरत उम्र तो वह सबी है जिनके बारे में सही मुस्लिम में आता है एक सफर में जब पानी कम पड़ गया तो हजरत उमर ने हज़ूर को आके रिक्वेस्ट की कि यारसूल्लाह हम थोड़ा बहुत पानी और राशन जमा करके आपको देते हैं आप इसमें बरकत की दुआ करें तो सब के लिए किफ़ायत कर जाए और यही हुआ इस्लाम ने इस पर दुआ की अपना हाथ रखा तो एक कटोरा जो है वो इतने लोगों के लिए किफ़ायत कर गया और बुहारी मुस्लिम में आता है सुल्हुदेविया में तो पंद्रह सौ साहबा ने एक कटोरे से वजू किया पानी पिया जानवरों को पिलाया और स्टोर भी कर लिया और जाबर अब्दुल्ला कहते हम एक लाख भी होते तो वो पानी ज्यादा था तो ये बरकत हजरत उम्र करवाते थे तो वह हजरत उमर नवजबिल्ला हजूर की फात के बाद आपकी बरकत के कायल नहीं रहे थे उनको पता था अब हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती अब इस तरीके से हम नबीलाम के साथ गुफ्त शनीद नहीं कर सकते अपने प्रॉब्लम उनके साथ इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते वो अल्लाह की जन्नतों में हाँ हमारा दरुद इस्लाम उन तक पहुंचता है उनकी दुआओं का हिस्सा में आज तक मिल रहा है वो सब कुछ है मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है तोहीद के खिलाफ दस धोखे उलमा के उसमें ये भी एक धोखा मैंने डिस्कस किया था कि देते हैं कभी शहीद जिंदा है कभी कहते हैं नबी इस्लाम की कब्र में बरसकी हयात है इसकी वजह से आप मांगना कैसे शुरू कर देंगे मांगना आपने अल्लाह से ही है नबी इस्लाम ने हमें यही तालीम दिया है कि हमने अल्लाह ही से मांगना अल्लाह की मर्जी हवाओं को भेजे किसी फरिश्ते के जरिए काम कराए इसबाब के जरिए करवाए बग़ैर असबाब के करवाए हमने इस्लाम से कम्युनिकेशन अब वो वाली नहीं हो सकती लेकिन ये लोग देख लें आप आज तक कर रहे हैं और सुनने वाले भी कितने इन अजीब व गरीब किस्म के दिमाग बंद करके लोग बैठे होते हैं वो एनोलॉजीज़ को नहीं सोच रहे होते कि ये एनोलॉजी को बनती है कि अम्मी से रोटी मांगना और शेख अब्दुल्कदर जनानी जो फ़ौत हो चुके हैं उनसे मदद मांगना ये बराबर है अम्मी से रोटी मांगते हैं तो रोटी आ जाती है अब्दुल कादर जरानी से ना रोटी दे तो आपको फोन कहेंगे अल्लाह से कहना भाई अल्लाह ने तो कहा ही नहीं है अल्लाह ने तो दुनिया इस बाप के साथ जोड़ी है अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा मेरा नाम लेके तो साकेट में दो उंगलियां दे दो या कोबरे के मुंह में हाथ दे दो तो बच जाओगे कहीं नहीं कहा दुआएं भी हैं तो नागहानी आफत के लिए दुआ पढ़ के अगर कोई कोबरे को खुद कोबरा शरीफ के साथ शैतानी शरीफ करेगा तो उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है तो ये वो आयत है जो मैं अक्सर कोर्ट करता हूं कि नेकी और प्रेस के कामों में मदद करनी है इसका हुक्म है लेकिन जो दुआ है वो अल्लाह के साथ खास है ईया का व ईया का नस्ताइन और इसका क्लाइमेक्स सूरत नमल की वो आयत है इदा बला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में गिरेवे की दुआ को कबूल करता है वह यकशू और उससे उसकी तकलीफ को दूर करता है वही जलुकुम खुलफा अर्द और तुम्हें खलीफा करता है अगलों का जमीन पर आ इला क्या अल्लाह के साथ कोई और अला भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो बारिश भी फरिश्ते बरसाते हैं अल्लाह के हुक्म से लेकिन बारिश हम मांगेंगे किससे अल्लाह से अल्ला। 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 फरिश्तों से मांगेंगे मुशरक हो जाएंगे कह रहे ड्यूटियां लगियां सर ओढ़गियां ड्यूटियां मान लिया अग्गे ट्रो ड्यूटी लगने से क्या होगा आपकी ड्यूटी नहीं वो अल्लाह ने लगानी है आपने अल्लाह ही को पुकारना है तो फरिश्तों की ड्यूटी लगी यह सुनसाई में अदीस है जमीन में फरिश्ते से याद करते हैं और मेरे उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं लेकिन हमने फरिश्तों को नहीं पुकारना हमने दुरुषी में क्या कहना है अल्लाह सल मोहम्मद व आला मोहम्मद अल्लाह आप रहमत नाजिर फरमाए मोहम्मद और आल मोहम्मद के ऊपर सल्हुस वसलम हमने फरिश्तों से नहीं कहना कि हमारा पैगाम लेके आप चले जाएं तो सही जो उम्र फारूक रदी अल्लाह का जो मैंने जिक्र किया वाक्य का कि उन्होंने भी अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह पहले हम रसुल्ला को लाते थे अब हम उनके चचा को लेके हैं सल्हम हालांकि हजरत उमर गवाह हैं इस बात के कि आपके सामने ये सब कुछ हुआ हुआ कि प्याले में हाथ दाखिल किया और चश्मे जारी हो गए तो आप हजरत उमर पर भी का फतवा लगाएगा अच्छा इसमें एक बड़ा लतीफ नुकता है कि नबी इलास्लाम ने जब कभी भी इस तरीके से कोई बरकत की दुआ की है ना तो पहले कोई चीज एग्जिस्ट करती थी मसला मतलब दस बंदों का खाना था लुआबे दान उसमें डाला तीन सौ को कफ़ायत कर गया और खाना उतना ही रहा सही बुखारी मुस्लिम में आता है इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में आता है कि कुआं था उसमें लुआबे दान डाला पानी ऊपर आ गया लेकिन पानी उसमें नीचे था पहले पानी वजूद था बुखारी मुस्लिम में आता है एक कटोरे में हाथ रखा जिसमें पानी था पंद्रह सौ साहबा ने वुजू कर लिया लेकिन वो उतना पानी था सिर्फ कभी उंगलियों से पानी के चश्मे नहीं जारी हुए क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना क्रिएशन एक्स नहीं लो अदब से वजूद ये सिर्फ अल्लाह की है मखलूक जो है उसकी दुआ की बरकत से कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें बरकत तो हो सकती है लेकिन क्रिएशन नहीं हो सकती पानी आधा था प्याला उसमें हाथ डाला दुआ की वो आधा प्याला पंद्रह सौ बंदों ने इस्तेमाल कर लिया लेकिन ये नहीं होगा कि खाली प्याला और हाथ रखें तो पानी जारी हो जाए ऐसे नहीं होगा उसके लिए फिर प्याले में नहीं हाथ रखना होगा फिर जमीन में या चट्टान में मारना होगा कि जहां से वो चश्मा फूटे क्योंकि वो भी क्रिएशन एक्स नहीं लो नहीं है ऑलरेडी पानी मौजूद है ऊपर आ जाएगा जिसनेलाम ने किया तो अदमे माह से वजूद ये सिर्फ खुदा की क्वालिटी है पैगंबर जब इस किस्म के मोरजाद करते हैं तो अदमे माज से वजूद नहीं होता वो वो ऑलरेडी कोई चीज होती है जो कन्वर्ट होती है अजल मूसा का आशा अजदहा में कन्वर्ट हुआ और अजदहा वापस आशा में कन्वर्ट हुआ यह नहीं हुआ अगर ऐसे किया है तो कोई चीज ऐसे बन के निकल आई है बाहर वह तो कुरान में आया कि कोई मक्खी भी नहीं एक बना सकता हाँ। वो जादूगर भी जो थे वो रस्सियां फेंकते थे वो शाम कुरान में आता है गोया के सांप नजर आती थी होती नहीं थी गोया के सांप नजर आती थी उनको वह और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का इन शदीदुल शदीदुल्काब बेशक अल्लाह ताला सख्त है गिरफ्त फरमाने में अजाब देने में अल्लाहुम्मा अल्लाजिर नामिन आमीन अब वो ग्यारह एक साम आ रही हैं जो हराम की गई हैं खाने वाली चीजों में उनमें से चार तो ऐसी हैं जो कि सुर अलनाम में सूरतलबकरा अल में सुरतुल-नहल के अंदर और सूरत में ये बार बार जिक्र हुई हूँ हमें पता है चार के अलावा सात ऐसी हलाल चीजें हैं जो हराम हो जाएंगी अगर वो उस कंडीशन में चली गई तो सुने अलई कुमल मई हराम कर दिया गया है तुम्हारे लिए मुरदार नेचुरल डेथ कोई जानवर मर गया चाहे हलाल भी था वो मुर्दार है वो हराम है वह दमू और खून और खून कौन सा बहता हुआ लहू एक गोश्त और हड्डी के अंदर लहू होता है वो खा सकते हैं आप वो हलाल होता है ये बहता हुआ लहू वह लखमुल खिंजीर और खिनजीर का गोश्त व माओ बिह और वो हलाल जानवर भी जिसके जबा के वक्त गैर का नाम लिया जाए अल्लाह के नाम के सिवा वो जब हुआ या अल्लाह का नाम उसमें नहीं लिया तो अब वो जानवर भी हलाल जानवर भी जबा के बावजूद आराम हो जाएगा क्योंकि तो वो अल्लाह के लिए नहीं हुआ इसी की क्रॉलरी में वो चीज दाखिल है जो सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स गैरुल्ला के लिए कुर्बानी करे उस पर अल्लाह की लानत अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत किया अल्लाह के लिए लेकिन खुशनुदी थी गैरुल्ला की किसी दर्जे में वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा सुन नबी दाऊद में हदीस है एक सहाबी ने कहा मैंने मन्नत मानी थी कि मकाम भवाना पे मैं ऊँट जबह करूंगा नबीस्म ने फरमाया कहीं वहां पर मुशरकने अरब के ज़माने का कोई मेला तो नहीं लगता था उन्होंने जब इंश्योर किया कि ऐसा नहीं था फिर आपने इजाजत दी कि जहां पर खिलाफ शरा काम पहले भी होते थे ना वहां पर अल्लाह के नाम की कुर्बानी भी नहीं करनी क्योंकि इसका बेनिफिट फिर उन रसूमात को मिलेगा यही तो हम कहते हैं कहते हैं जी वह हम दादा दरबार पे या बरी माम गरीबों को खाना खिला रहे हैं हम कहते हैं इन जगहों पर आप गरीबों को भी खाना ना खिलाएं गरीबों को खाना खिलाने की जगह ये नहीं है कि आप इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं आप अलग से करें क्योंकि ये वो जगह है जो नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए मजारात कब्रें होनी चाहिए मजार और ये अड्डे तो नहीं होने चाहिए इसलिए आप देखें बुराई की माजगा भी वो बनी हुई है आप देखें वहां पर मेले ठेलों में क्या कुछ नहीं हो रहा होता वल वल वलमुल खानी आह और गला घोंट कर मारा हुआ जानवर अब गला घोंट के जो जानवर मारा है ना हलाल वो हराम होगा आप ये तिब्बत के इलाके में भी देखें ना तो वो जानवरों को गला घोट के मारते हैं वो उसके नाक के ऊपर हाथ रख लेते हैं और बड़ी प्रैक्टिस है उनकी बकरी भी मार लेते हैं वो गाय भी नील गाय भी वो सांस घोट के या इसी तरीके से गले में कोई फंदा डाला उसका सांस रुका हुआ मार गया वो जाए छुरी चलाने के उनको वो ये समझ रहे होते हैं कि छुरी चलाने से शायद इसे तकलीफ होगी इस तरह हम मार दें लेकिन वो फिर सेहत के लिए नुकसानदेह क्योंकि जो गंदा खून है वो बाहर नहीं निकलता खून अंदर ही रहता है और वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल जो जरासीम है उनके लिए बेहतरीन मीडियम बन जाता है जबा की यही तो हिकमत है कि वो आप उस बीमारी से बच जाते हैं तो वो गला घोंटते हैं उसका या उसके मुंह पे हाथ रख के उसका सांस रोक के उसको मारता है तो इस तरह का जानवर हलाल जानवर भी होगा तो वो हराम होगा वल मऊ और जो चोट से मरा हो यानी एक जानवर भाग रहा था स्लिप हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया और नेचुरल डेथ मर गया तो अब वो हराम है हाँ मरने से पहले पहले आप उसे आके जबा कर लें, तो अलाल होगा लेकिन अगर वो आपके पहुंचने से पहले मर गया चाहे उसका खून भी निकला है, तब भी वो हराम तस्वूर किया जाएगा वलमुतरदिया और ऊपर से नीचे गिर कर मरने वाला जानवर एक चोट वाला जानवर और एक ऊपर से नीचे गिर के मरने वाला जानवर चोट वाला जानवर यह भी हो सकता है कि आपने पत्थर मारा उसके सर में या कनपट्टी पे लगा और जानवर मार गया तो हराम है बुलंदी से गिरा मर गया वो भी हराम है और सींग लगने से मरा हुआ जानवर एक जा, दो जानवर आपस में लड़े एक का सींग दूसरे को लगा उसका खून बहा अगरचे वो खून निकल रहा है लेकिन आपने जबा नहीं किया उसको और पहले ही मर गया तो वो जानवर हराम है वमा सबू और ऐसा जानवर जिसे दरिंदे ने खाया हो शेर ने हिरन अपने लिए शिकार किया मर गया अब गोश बचे आपके जी मैं भी बीच में से खा लू नहीं हां शेर ने शिकार किया और जिंदा जानवर अभी उसकी रूह नहीं निकली थी जान खत्म नहीं हुई थी आप पहले पहुंच के उसे जबा कर लिया फिर तो अलाल होगा उसी का जिक्र है, इल्ला मा हाँ, जिसे तुम, जिसे जबा कर लो किसी जानवर ने शिकार किया लेकिन जबा तुमने कर लिया उसके मरने से पहले तो वो फिर अलाल होगा और ऐसे जानवर भी जो जबा किए जाए थानों के ऊपर उस वक्त बुतों के वो थान बने हुए थे जिसकी आप मॉडर्न फार्म आप देख लें जो हमारा मजारात वाला सिस्टम है ठीक है एग्जैक्टली exactly वो नहीं है लेकिन यहां पे भी आप पता है खिलाफी शरा काम हो रहे हैं तो इन थानों पे नहीं वो मैंने आपको मुका बवाना वाली हदीस सुना दी वहां पे भी वह अन तस् तकसीम बिल अजलाम और ना जो जुए के तीरों के अगेंस्ट जो जानवर है ना वो भी जो जानवर है वो भी हराम तस्वुर किए जाएंगे ये वो सारे चीजों को अल्लाह ने फिर इकट्ठा करके कहा जालिकुम फिस्क ये सब की सब चीजें जो हैं वो गुनाह के काम हैं गुनाह कबीरा है अच्छा आगे चल के वो जो शिकारी जानवर है उनका जिक्र भी आएगा अगली आयत के अंदर वो अगली दफे डिस्कस करेंगे इन तो उसमें जो सिखाए हुए जानवर हैं जिस तरह कुत्ते बाज और बाकी जानवर जिनको इंसान सिखाता है और वो शिकार करते हैं उनका शिकार भी हराल है अगर आपने अल्लाह का नाम लेके उनको छोड़ा है हत्या के बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अगर कोई किसी ने कुत्ता छोड़ा है और उसने कोई जानवर शिकार किया है और वह शिकार के दौरान मर गया नेचुरल डेथ तो वह भी हलाल तस्वर होगा आपके पहुंचने से पहले अगर वह मर भी गया छुरी से आपको उसको जबा करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो दरिंदे ने उस कुत्ते ने उसे खा लिया तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं वो उसने अपने लिए शिकार किया है तुम्हारे लिए नहीं किया उसको तुम नहीं खा सकते तो वो सिखाया हुआ कुत्ता होगा बुखारी मुस्लिम अदीस है कि जिसने भी हिफाजत के अलावा और शिकार के अलावा कुत्ता पाला तो उसके इनाम माल से रोजाना एक किरात अजर कम हो जाएगा और किरात औद पहाड़ के बराबर है खेती की हिफाजत के लिए जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता रख सकते हैं या शिकार के लिए और वो भी शिकारी कुत्ते ये जो शौकिया कुत्ते पाले हुए इसकी रखने की इजाजत नहीं है बिल्लियाँ रख सकते हैं बाकी जानवर रख सकते हैं कुत्तों की इजाजत नहीं है उनशा अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे इस पे अलग से मेरी वीडियो रिकॉर्ड है अलयमा या इसल आज के दिन मायूस हो गए काफिर तुम्हारे दीन से फला तख्शुम तो उनसे मत डरो मुझी से डरो अब जाहिर है कि ये दीन मुकम्मल हो चुका है और आखिरी आखिरी अल्लाह ताला खताब कर रहे हैं अपने मानने वालों से तो उसमें ये इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की कि अब तुमने इस्लाम का ग्राफ ऊपर ही जाएगा अल्लाह ने दीन को गलबा दे दिया है सरजमीन अरब में और ज़ाहिर है कि अभी तो रोमन्स और पर्शियंस भी ढेर नहीं हुए थे अल्लाह तला, तला इसमें पहले प्रडिक्शन फरमा रहा है अलयमा अकमल तो दीन अकुम आज के दिन हमने तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए मुकमल कर दिया तो कुम और अपनी तुम पर मुकम्मल कर दी तमाम कर दी वीतमल इस्लाम दीना और इस्लाम को एज ए दीन तुम्हारे लिए पसंद किया इस आयत को हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले इस आयत का यह अगला पोर्शन हम मुकम्मल कर रहे हैं फमान सा अलबत्त जो कोई लाचार हो जाए भूख की वजह से गैर मुतजान जबकि वो गुनाह की तरफ मायल ना हो फ्ला गफूर रहीम तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है इसका ताल्लुक ऊपर वाले हिस्से के साथ है कि जानवर जो हराम किए हैं ना ये भी वक्ती तौर तो पर तुम्हारे लिए जायज हो जाएंगे अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन गई और तुम्हारे अंदर बगावत का एलिमेंट नहीं है जान बचाने के लिए अगर तुम्हें हराम खाना पड़ता है तो खा लो हती के सूरत नहल में आए कि अगर किसी शख्स को जान बचाने के लिए कल मात कुफर भी बोलने पड़ जाए और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो तो अल्लाह उस ते भी गिरफ्त नहीं करेगा लेकिन यह ईमान का लोएस्ट दर्जा है आला दर्जा वही है जो मुस्द आमद में और सुनबर माजा में हदीस है कि अल्लाह के साथ शिरक न करना खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तुम्हें कतल कर दिया जाए सूली दे दिया जाए या आग में जिंदा जला दिया जाए शिरक ना करना वो आला तरीन दर्जा वही है और बुखारी मुस्लिम में हदीस है उस शख्स ने ईमान की हिलावत चक ली जिसमें तीन निशानियां हैं अल्लाह और उसका महबूब सब लोगों से बढ़कर महबूब हो जाए उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मैार अल्लाह हो और तीसरी चीज कुफर की तरफ लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना वह अला तरीन दर्जा है लेकिन इस चीज की इजाजत मौजूद है कि आप जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो कलमाते कुफर दिल में ईमान रखते हुए बोल सकते हैं जिंदगी मौत की कशमकश यह नहीं है कि जर्मनी की पॉलिटिकल इसइलम लेने के लिए अपने आप को कादियानी लिखवाते हैं नाउदबिल्ला ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है एक अच्छे फ्यूचर के लिए ये लोग हरकत कर रहे होते हैं और वो भी वक्ती तौर तो पर ही होता है दुनिया में भी उसका अजाब भुगतना पड़ता है और आखरत का अजाब तो बाकी है और कहते हैं दिल में तो ईमान है खैर है हमने लिख भी दिया नहीं सर ईमान तीन चीज़ों का नाम है इकरारम बिलसान तस्दीक उम बिलकल्ब जुबान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना और एक तीसरा जो इंडिया पाकिस्तान में नहीं पाया जाता हनफी की बरकत की वजह से इन्वर्टेड कॉमा में वह है अमल उम बिलजवार अपने अमाल से भी अपना ईमान साबित करना ये तीन चीजें हैं, हमें वो बचपन से यही रिटाया जाता है कि इकरार उम और तस्दीक उम बस यही इकरार करते रहते हैं और न, 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 कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है कहते रहते हैं हालांकि सही मुस्लिम की हदीस है बंदे के कुफर और इस्लाम और शिरक और ईमान में फर्क नमाज है तो अमल अमलवार अपने जिसम के आजा के साथ अमल करना यह भी ईमान है इसके बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं होगा इससे भी बढ़कर वह अकीम वकुन मिनल मशरकिन और नमाज को कायम रखना और देखना मशरकिन में शामिल ना होना तो उसमें तो नमाज को ईमान का हिस्सा शामिल किया गया तो ये तीन चीजें मिलके, लेकिन जब कभी जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो फिर आपकी कोई गिरफ्त नहीं वो अल्लाह तला ने यहाँ पर एक्सेप्शन दे दी अब यहां पर एक और अहम पोर्शन जो जिस तरह आयत नंबर दो में वो अहम पोर्शन था ना वावन ब्र तकवादवान यहां पर आयत नंबर तीन के अंदर अहम पोर्शन है आयत का ये वाला अल अकमल तो वीतम दीना आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया दीन के तौर पर दीन आंद अल्लाह के हजूर एक्सेप्टेबल रिलीजन सिर्फ इस्लाम है अच्छा ये जो आयता है ना जी इस आयत के हवाले से भी सुनिशिया कन्फ्लिक्ट पाया जाता है अहल तशै्यो कहते हैं यह आयत नाजिल हुई है गदीर ख़ुम के मौका पर जो नबील इस्लाम ने सैदन अली का हाथ बुलंद किया था मन मनकुन्तो मौलाउ फ़ादा में हदीस है जाम है, है सुन सईुल कुबरा के अंदर कई किताबों में और वह कहते हैं दीन मुकम्मल होना यह था कि नबी इस्सल्लाम को ने अल्ला ताला के कहने पर वसी मुकर दिया था हज़रत अली को अल्लाह का शुक्र है कि ये वो क्लेम गदीर खुम के बारे में करते हैं इसकी वजह से उनका जो ये क्लेम है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है उसकी वजह ये है कि वदा में जो पब्लिक गैदरिंग थी वो तो थी मैदान अरफात के अंदर और मिना के अंदर वहां के खुतबों में तो आपको कुरान का जिक्र मिलता है सही मुस्लिम में अपने बाप वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जिसे पकड़ लोगे मजबूती से घुमरानी होगी वो अल्लाह की किताब है हाकिम में एक हसन दर्जे की रवायत है किताबुल्ला और सुन्नत। तिरमज़ी में एक रवायत है जिसकी सेहत में इख्तिलाफ़ है उसमें कुरान और अल बैत का जिक्र है और आगे जिक्र है कि ये क्यामत तक किट्ठे रहेंगे लेकिन वो कुरान और एल बैत एक जनरल है कि कुरान पकड़ने अलेत के साथ उसने सलूक करना है जिस तरह केम पे फरमाया तो मुस्लिम शरीब में ऊपर तले चार हदीस हैं कि दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ उनमें पहली चीज़ अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है नूर है अल्लाह की रस्सी है तुम इसे पकड़ो जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा दूसरी चीज मेरे अहिल बैत हैं अहिल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ तीन दफा नबीलाम ने फरमाया इतना हिस्सा तो मुस्लिम शरीफ के अंदर है बहरअल सुन्निश यह दोनों मुतफिक है कि गदीरे खुम पे नबी इस्लाम ने हजरत अली के लिए फरमाया मनकुन तुम मौला हो फादा अली मौलाू जिसका मौला मैं उसका मौला अली जिसका सरपरस्त मैं उसका सरपरस्त अली जिसका जिगरी यार मैं उसका जिगरी यार अली ये सारे माने दुरुस्त हैं। शिया एक स्टैप आगे जाते हैं वो कहते हैं इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि वसी रसूल हजरत अली है हम कहते हैं अगर वसी रसूल हजरत अली होते तो हजरत अली शेर खुदा अपनी जान दे देते और रसुल्ला ने जो उनकी ड्यूटी लगाई थी उसे पूरी करते हैं जिस तरह जमल सिफी नरमान में पूरी की है और अपना हक हाँ किसी को देने ना देते मैंने तो नाहजुल बुलागा से सलासा की शान में हजरत अली के खुतबात पेश किए तो वो कहते नहीं इस मौके पर दीन मुकम्मल हुआ है और वसी रसूल अनाउंसमेंट करती तो इसमें मौलाना इसहाक साहब ने एक बड़ा ट्रूथ रिवील किया था और, और मेरा जो उनसे इंटरव्यू रिकॉर्ड है फोर्टी क्वेश्चन विद मौलाना इसहाक तेईस मार्च दो हजार बारह को उसमें उन्होंने कहा था मैं अपने शिया दोस्तों से भी कहता हूं कि इस्लाम ने अगर, अगर अपने बात किसी को खलीफा नामजद करना होता तो आपने वदा जहां पे सारी पब्लिक जमा थी वो मौका आपने क्यों मिस किया और गदीर खुम का इंतबा क्यों किया खुम तो मक्के से मदीने वापस आते हुए एक पानी की जगह थी और वहां पर सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना थे बाकी सब लोग अपने अपने इलाकों में जा चुके थे उन लोगों को तो हजूर ने हजरत अलवा पे कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं वहां आपने क्यों नहीं कहा कि मेरा वसी ये है आप भी कह रहे हैं गदीर खून पे कहा हम भी कह रहे हैं गदीर खून तो पे तो उन्होंने कहा कि गदीर खोब पे इसलिए कहा कि यहां पर अहले शाम और अहले मदीना थे अहल मदीना एफेक्टी थे अहले शाम अहले मदीना पे चढ़ाई करने वाले थे वाक हर्रा में अहल शाम ने मदीना पे चढ़ाई की हजरत अली की बगावत जो की अहल शाम ने की जंग सिफीन में तो उनको डराना मकसूद था और उनको बता दिया कि मेरे अहबैद के साथ उसने सलूक करना मैं तुम्हें अपने अहबैद के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं गदीर खुम पे खुतबे का करना ही इस बात की दलील है कि इस खुतबे का ताल्लुक मुस्तबिल में आने वाले वाक्यात के साथ था नबील इस्लाम का वसी और हम अजहत वकर को नबील इस्लाम का वसी नहीं मानते खलीफत रसूल कहते हैं और खलीफत और रसूल भी रसुल्ला के बनाने पर नहीं इज़्म़ाए सहाबा पे जो सकीफा बनी सायदा में हुआ उसमें कुछ मसला मिस हैंडल भी हो उसमें मेरी वीडियो भी देख लें लेकिन अल्टीमेटली जब छह महीने बाद हजरत अली ने बैत कर ली तो स्टैब्लिश हो गया आज की डेट में वो इशू कंक्लूडेड है उस एतबार से वसी सिर्फ कुरान है क्योंकि रसुल्ला का वसी वो होगा जो क्यामत तक के लिए बाकी रहे नबी फोत होते थे तो अपने बाद एक वसी बनाते और चलता था चले इनके वो जो बारह मामों वाला इनका कंसेप्ट है वो भी तो आखिरी इमाम को भी तो ग्याबत में गए हुए बारह सो साल हो चुके हैं बारह सो साल से उम्मत वसी रसूल से तो माहरूम है ना कोई उनका व्हाट्सएप नंबर है कि हम उनसे बात कर लें कोई मैसेज नहीं कर सकते जब ये मैं बातें करता हूं कहते नहीं इमामों की तोहहीन कर रहा है भाई आज के मॉडर्न दौर में इसी तरीके से बात होगी ना यार इसमें तोहीन वाली कौन सी बात है जब एक बंदा सामने आने के लिए तैयार नहीं है सारे शाहजी हल रहे शाहजी तक एक सुर है जब एक बंदा सामने आने के लिए तैयार नहीं है और वो इमाम भी है तो जाहिर है कि फिर मैं उससे रापता तो करूंगा ना आपके रब्ता नंबर भी नहीं और बारह सौ साल से बगैर इमामत के उम्मत गुजर रही है इसका मतलब है कि इमाम के बगैर भी उम्मत गुजर सकती है इमामत के बगैर नहीं गुजरही इमाम तो अल्लाह के नबी दे गए हैं ये किताब यही थी वदा पे यही थी गदीर कौम के ऊपर यही है वसी रसूल हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि हजरत बकर जो है वसी रसूल है नहीं कुरान है क्योंकि वसी रसूल अगर फौत हो जाए तो उसे फिर नेक्स्ट वसी अपना बनाना होगा और यह सिलसिला चलना चाहिए सिलसिला तो कोई नहीं चला कुरान वसी है, रसूल है क्या मत तक के लिए यह अल्लाह के नबी का खलीफा है तो लिहाजा ये इस आयत को इससे रिलेट करना यह गलत है और यह आयत भी खधीर खुम पर नाजिल नहीं हुई है यह मैदान अरफात में हुई है अहल तश कहते हैं हाँ जी बायतें मैदान अरफात की हैं नाजिल वहां हुई है पढ़ के आपने यहां बताई है हम कहते हैं चले आपकी बात मान लें हमारे नज़दीक तो मिदान फाद में नाजिल हुई वहीं आपने इसको बयान किया बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है हज़रत उमर के पास एक यहूदी आया और कहा कि आपकी किताब में एक ऐसी आयत है जो हम पे नाजिल होती है हम उसे ईद का दिन बना लेते और वो ये आयत है अलयूम अकमलतलकुम दीन अकुम के दीन तमाम होने का आपको खुशखबरी दी गई तो हज़रत उमर ने बड़ा इंटलेक्चुअल जवाब दिया उनका हम खूब जानते हैं ये आयत कब रसुल्ला पर नाजिल हुई ये आप सल्हुह वसम पर यौम अर्फ़ा के दिन नाजिल हुई जा दस हिजरी के अंदर और उस दिन जुम्मे का दिन था हजरत उमर ने तो ढके चुपे अल्फाज में मैसेज दिया ये जामिया तिरमजी में आती है उसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक यहूदी आके कहता है कि ये आयत जो आपकी किताब में है ना हम पे नाजिल होती तो हम उसे ईद का दिन बना लेते तो हजरत इबन अब्बास ने कहा अल्लाह ने हमें पहले ही उस दिन दो ईदें दी हुई थी एक योम अरफा और दूसरा जुम्मा तो ये दो ईदों वाले दिन ये आयत नाजिल हुई है अब मुझे बताएं योम अरफा क्या हमारी डिक्लेयर्ड ईदों में आती है जुम्मा क्या डिक्लेयर्ड ईदों में आती है नहीं देखें हम ऑनरी तौर पे उसे ईद कहते हैं तो सर अगर कोई मिलाद शरीफ के ईद दो नबी कह ऑनरी तौर पे तो कोई नहीं चिढ़ना चाहिए कोई गदीर खुम को ईद गदीर कह ले कोई नहीं चिढ़ना चाहिए ईद गदीर कहने से वो ईद वो वाली नहीं बन जानी जो दो हमारी ईदें हैं शिया भी दो मान रहे हैं सुन्नी भी दो ही मान रहे हैं इस तरह बेशुमार ईदे बनाए जुम्मा बावन ईद है तो जुम्मे की बन गई जुम्मा ईद का दिन नहीं है मुसलमानों के लिए ये सारी ऑनरी तौर पर ईद है मेन ईदे वो ही है दो तो आनरी तौर पर जितनी को बनाते हैं ये कुछ झगड़ा नहीं है झगड़ा असली बात यह कि इसमें से आपने निकालना क्या है अगर आपने ये निकालना है कि जी नबील इस्लाम ने अपना वसी बनाया किसी को तो फिर ये बात फिर बिल्कुल गलत हो जाएगी नबील इस्लाम ने कुरान अपना वसी बनाया बुखारी है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है अब्दुल्ल इबन अबी आउफ़ा से किसी ने पूछा कि नबीलाम ने क्या वसीयत करना उम्मत पे लाजम किया था उन्होंने कहा कि नबीलाम ने हमें कुरान पे चढ़ते रहने की वसीयत की थी सही बुखारी में आता है हजूर की फाद वाले चैप्टर में सयद आयशा को कोई आके कहता है कि लोग तो ये बात कर रहे हैं कि हज़रत अली को रसुल्ला ने अपना वसी बनाया था तो हजरत आयशा ने कहा हज़ूर की फात मेरी गोद में हुई है अल्लाह के इस्लाम ने किसी के लिए अपनी वसीयत नहीं फरमाई हालांकि ये मौका था हजरत आयशा ये कह सकती थी कि मेरे बाप को खलीफा बनाया हज़ूर नहीं कहा बल्कि इससे भी बढ़ के सही मुस्लिम अधीस है किसी मायशा से पूछा कि आप बताएं कि अगर अल्लाह के नबी अपना खलीफा किसी को बनाते तो किसे बनाते हैं उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि हजरत अबू बकर को बनाते हैं उनका उसके बाद फरमाया उमर को उसने पूछा उसके बाद तो कहा अबू बैदा जरा को तो हजरत आयशा ने कभी क्लेम नहीं किया हजरत बकर खलीफत या वसी रसूल इस हवाले से जो शिया एल सुनत में इल्जाम लगाते हैं या बाज अल सुन्नत क्लेम करते हैं हम खलीफत रसूल उन्हें इसलिए नहीं मानते कि नबी ने अपना खलीफा बनाया खलीफत रसूल इसलिए मानते हैं कि साहबा ने चुना है। रह गए नमाजें पढ़ने वाली बात या वो कहते नहीं बुखारी में हदीस है बकर के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो वो तो तिरमजी में हदीस है अली के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो वो फजाइल तो दोनों तरफ मौजूद हैं नमाज तो अब्दुल बालफ के पीछे भी हजूर ने पड़ी है ठीक है इशारे होना ये मैं भी मानता हूं कि जो गालिब चीज़ यह कि नबी इलास्म अगर अपना वसी बनाते हैं तो हजरत अली को ना बनाते हैं इसकी वजह कि हजरत अली तो हजूर के बच्चों की मानते थे तो उसमें यह एक अंसर आ सकता था खिलाफत मलूकियत वाला तो इस मामले में ज़्यादा गुलूफ से काम नहीं लेना चाहिए मैंने तीन घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करवाई है वसीय रसूल कौन है और हदीस कर्तास का तहकी जायजा वो कहते हैं जी वफ़ात के वक्त जूर ने कागज़ कलम मांगा था तो आज तो वो टॉपिक नहीं है वरना तो ये तीन घंटे इसी आयत के ऊपर लग जाए मैंने एक इजमाली गुफ्तगु इस सवाले से कर दी है अल्लाह तला से दुआए जो हक बात मैंने कही अल्ल तारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह तला हमारे दिलों से उसे धो डाले हमें मुआब भी फरमा दे